हेलो हेलो हेलो। और सब ठीक ठाक? चलिए तब शुरू करते हैं बिहार एसएससी रीजनिंग टेस्ट नंबर सेट नंबर 19। और पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कनपट्टी तो बाबू कान, कनपट्टी तो कान, कंधा तो हाथ, मसूरा तो क्या? दांत। उससे कौन जुड़ा होता है? दांत जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दांत। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। मोर तो मोरनी, क्या लिखा है? मोर और मोरनी, ठीक है बाबू, कुतिया और व्हाट, तो मोर मोरनी बाबू, कुतिया तो क्या? कुत्ता। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दिया हुआ है, आंसर 3 नंबर, सी ऑप्शन। टेबिल, देखिए डी और ए है, यहाँ पर हो गया बाबू -3, ए ई और बी -3, ई और एस -3, आई एफ -3, एल और आई -3, सब में क्या हुआ है? -3 किया गया है। यहाँ पर ओ 15 नंबर पर -3 कर दीजिए, हो जाएगा एल। गलत, ये भी गलत। टी में -3 करिए, क्यू होगा गलत, और ये वाला सही, ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। मणिपुरी, तो मणिपुर, तो कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का, तो आंसर होगा केरल का यह नृत्य है। अध्यापक और छात्र, ठीक है, तो गुरु और शिष्य हो गया, अध्यापक छात्र, तो धर्म गुरु, तो धर्म गुरु तो कौन? शिष्य की अनुयायी की पुरोहित की देवता, अनुयायी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। पीईएन, पेन में एक बार, पेपर में दो बार और पेपर में 3 बार, क्या है? तो पी है, पी यहां पर एक बार है, पी यहां पर दो बार है, पी यहां पर एक दो 3 बार है, आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन, हो जाएगा 2 नंबर, बी ऑप्शन। ये तो वही हो गया तो बोला जाता है ईयर में एक बार जी, वर्ष में एक बार और सप्ताह में 2 बार, क्या होता है? तो ई फॉर एलिफेंट होता है, ठीक है। सेवन, क्या लिखा है? सुपर, सुप्रीम और लेबर, क्या है जी? 19 और 21 कितना? 40। 16, 5, 21 और 18 कितना? 39। जोड़ दीजिए कितना? 79, ठीक है। सभी लेटर के पोजीशन को लिखकर आपस में जोड़ दिया गया है। यहाँ पर बाबू 12, 1, 13, 13, 2, 15, 15, 30, 30 और 20, 50, 10, 60, 9, 69, 69, 69, ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। मेमना है, बकरी है, भेड़ है और मेढ़ा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? मेमना, बकरी और भेड़ और मेढ़ा, मेढ़ा क्या होता है? मेढ़क के बच्चा है? तब तो जानवर में हो गया, भेड़ बकरी और मेमना तीनों एक ही प्रजातियों में आता है, मेढ़ा जो है अलग प्रजाति हो गया, मेढक के बच्चा, क्या हुआ? उभयचर में आ जाएगा,
आज वो भाईचारे में आ जाए। चलिए अब कौन था जी, मेढा नहीं बोले, दो बार बोल चुके, तीसरी बार मेढक के बच्चा। वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिकी और रसायन विज्ञान, यह सब विज्ञान है, यह भाषा है, इसीलिए इसका आंसर दो नंबर ऑप्शन। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी, क्या होगा जी? हाँ कैसे जी? हाँ हाँ ठीक, बड़ा बढ़िया, सब एक के बार बोलता, हमारा नहीं पता, बोलो ना। नर्मदा ताप, नर्मदा क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है, नर्मदा जो डेल्टा बनाता है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब। ठीक है बड़ा बढ़िया, आंसर तो नर्मदे दे रहा है, यही होगा। कैसे हमरा पता रहता, हम तू लोग से पूछते, ठीक है जी, हमरा बहुत खराब है, नहीं जानता है, मैथ मैथ आता है हमरा कहाँ। हो गया तो पश्चिमे को गिरा दो, ठीक है। आए कृष्णा, कावेरी, महानदी, सब पूरा। चलो एगो तो बोल लो कुछ, हो डिसाइड कर लीजिए, हो क्या गया हमरा पता ही नहीं चला क्या हो गया। कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये पूरा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आई नर्मदा जो अरब सागर में गिरती है, यही ना। चलिए यही फाइनल हुआ, आगे बढ़िए। अब मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है। मई बाबू 31 का, जुलाई 31 का, जून 30 का, अगस्त 31 का। आंसर बाबू दो नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, चीटी है, मकड़ी है, मधुमक्खी और सलभ है, ठीक है। चीटी, मकड़ी, मधुमक्खी सब कीड़ा हो गया, सलभ जो होता है फुफुंदी नहीं लगता है जी, हाँ दीमक वही होता है, ठीक है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन चार नंबर डी ऑप्शन। चलिए 8/9 है, नहीं तब तो स्क्वायरे है, ऊपर और नीचे किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर और क्यूब है, यहाँ पर बाबू तीन को छोड़ करके, तीन को छोड़ करके, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का क्यूब, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर कहिए या 4 का क्यूब कहिए, जो कहना है, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर तो है नहीं, आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। हम्म, 2010, 2011, 2012, 2013 तीन ठो है सामान्य वर्ष, और 2012 है लीप वर्ष, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। 2 और 5 7, 5 और 7 12, 7 और 12 19, 12 19 31, 19 और 31 50, आंसर हो गया 5050, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन।
आठ छः चौदह, बारह दो चौदह, चार पाँच और नौ, चौदह चार और दस, चौदह। ऑप्शन बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन। तीन छः नौ बारह, पांच में छः जोड़े ग्यारह, ग्यारह छः सत्रह, सत्रह छः तेईस। ऑप्शन बाबू तीन नंबर चार नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, दो गुना दो चार प्लस एक पांच, तीन गुना एक तीन प्लस एक चार, यहां पर दो चार गुना एक चार प्लस तीन तो सात, वाट के स्थान पर चार होगा। ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन। प्लस दो प्लस एक, 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 प्लस दो, सोलह दो अठारह। ऑप्शन बाबू दो नंबर यानी कि आर। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इंद्रधनुष में जो है रंग का क्रम जो है निम्न में से कौन सा है, यह बात आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए रंग का क्रम कौन सा है इसमें हम लोग इसमें अभी देखेंगे। सबसे पहला क्या होगा? बैगनी। तो बैगनी, बैगनी के बाद जामुनी है, कहाँ बैजी ना पिनाला, जामुनी है नहीं ना, इसके बाद तो हरे हो जाएगा। तब बैगनी के बाद हरा तो भी इसी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा बाबू एक नंबर। दो गो रंग गायब ना है, बैनी हा पिनाला है। ठीक है ठीक है, आंसर होगा एक नंबर। चलिए इसके बाद 944 से आरंभ होने वाली संख्या BSNL संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी BSNL संख्याएं हैं जो 944 से शुरू हो रहा है? कुल मिलाकर के ऐसे कितने हैं? दो दो चार, दो छः, दो आठ, कितना आठ गो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहां पर जो है डीई 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 डी आई, इसका मतलब चार जो है वो लास्ट में होगा। चार लास्ट में नहीं है, चार लास्ट में नहीं है, बस यही दोनों में चार जो है लास्ट में है। अब यहां पर आप देख लीजिए पांच और दो में से, पांच और दो में से कौन पहले आने वाला है यही डिसाइड कर देगा। पांच नंबर में देखिए डी ई वी आई एस ई, पांच नंबर में डी ई पी, यानी कि पहले पांच आएगा तब ना भी आएगा, पहले पी आएगा तब ना भी आएगा, तो पहले पांच होगा बाद में दो होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, बाईस के बाद प्रश्न संख्या 2323, एस राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद यानी जैल सिंह, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो जहां तक मुझे जानकारी है सबसे पहले दो नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एस राधा कृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम सबसे लास्ट में जितना है उसके हिसाब से, यानी कि ऑप्शन कौन सा तीन नंबर सी ऑप्शन। अब ज्ञानी जैल सिंह वीवी गिरी का हमको जानकारी नहीं है, ये हो अपना समझो, हमरा क्या है, हमरा ऑप्शन से बन गया। ठीक है, चलिए ई एफ डबल जी
नहीं बाजी। अच्छा डबल एफ डबल जी डबल ई, डबल जी डबल ई डबल एफ डबल ई डबल एफ डबल जी, वाह एफ ई जी ई एफ, एफ ई जी ई एफ ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन। 25 नंबर, 6 × 3 = 18 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 तो गुना दो के चक्कर में तो यहाँ 1296 होगा, 1296 होगा, 1290 लिखा है, यही गलत संख्या है। ऑप्शन तीन नंबर जो है वह गलत संख्या है, सी ऑप्शन। 26 नंबर, 2 + 3 + 3 + 6 + 6 ऐसे तो होना नहीं है, ठीक है, तो ऐसा होना नहीं है। 8 जो है अबाध संख्या है, नहीं 8 अबाध संख्या है, क्या और कुछ हो रहा है, 2 3 4 5 6 ठहर जाइए हल्ला नहीं कीजिए। अगर यहाँ 2 जोड़ें, यहाँ 3 जोड़ें, यहाँ 4 जोड़ते हैं तो 12, यहाँ 5 जोड़ते हैं तो 17, यहाँ 6 जोड़ते हैं तो 21, ठीक है। 11 जो है वह गलत संख्या है। 22 का बी पी बी बी, चलिए बाबू ठीक है, मिटा दें, दिक्कत है जी। अगला सवाल 26 के बाद 2727 दिख रहा है इसमें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दायां बायां लिखा है क्वेश्चन में। इधर एक लड़का उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, अंत में 1 किलोमीटर चलकर दोबारा बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, और यहां पर देखिए THORNY N है ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 नंबर। 3 फिल्म रिलीज हो गया जी, आ? लियो फिल्म रिलीज हो गया है, किसी को पता है? क्यों साउथ वाला है जी, हो गया टाइम, हो गया जी, हाँ हो गया है, तो देख लिए कहाँ जी, हॉल में देखे मोबाइल में देखे, मोबाइल में देखे तो जी नहीं देखा तो मालूम कैसे है, हाँ यही पूछेंगे कि क्वेश्चन का पिछला सप्ताह के 5 क्वेश्चन का रिवीजन किया था, राते लोड किया है तो जी, पिछला सप्ताह में 5 को जो क्वेश्चन हुआ रीजनिंग टेस्ट वाला उसका रिवीजन हुआ था, हाँ लियो फिल्म रिलीज हो गया है मालूम है, अथर्वा सब नंदन सब, हाँ सुधरो सुधरो जल्दी से सुधरो। आइए यहाँ पे क्या लिखा है, वी ओ सी ए टी ए टी आई वन, वी ओ सी ए टी आई ओ एन, ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा गया है जी, टी ए टी आई ओ एन,
वी ओ वी ओ, अरे वाह लगाइए ऐसे ही, यानी कि शुरुआत का दो ठो और लास्ट वाला एक ठो चला गया अंतिम में, ठीक है। शुरुआत का दो ठो जी ई जी यू आई ए वाला ई कैसे जाएगा जी, अच्छा उल्टा होगा नहीं, यू जी ई हो जाएगा नहीं, यू जी और ई हो जाएगा, यू जी ई नहीं है, यू जी ई नहीं है, यू जी ई नहीं है, हाँ कर लो हल्ला कर लो हल्ला, सी जी ई लिखल है जी, कोई बात नहीं है, फिर से देखेंगे हम लोग, तब लगता है कि इसको पलटा होगा, हो सकता है पलट दिया होगा, जैसे कहने का यह है एन ओ ठीक है टी ए टी आई, ये वाला ओ यहाँ पर, ये वाला ओ यहाँ पर, ये वाला ओ यहाँ पर, ये वाला भी गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि शुरुआत और लास्ट वाला को पहले एक जगह रख लीजिए, तो शुरुआत और लास्ट वाला को एक जगह रखे तो यहाँ पर ई यहाँ पर जी, ठीक है। तो जी ई लास्ट में तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है, यही आंसर ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बाबू एक नंबर है जी, हाँ जी एक नंबर तो ऑप्शन है, ठीक तो है ये है। चलिए आगे, सर आपका 50 क्वेश्चन टेस्ट नहीं शो हो रहा है, ऐप में लेना था ऑनलाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रगति पथ एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करने के बाद वहाँ नीचे में बायां साइड में देखिएगा बाबू एक ठो फ्री वीडियो दिया हुआ होगा, उस फ्री वीडियो को टच कीजिएगा तो वहाँ पर एप्लीकेशन वीडियो या एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होगा, उस वीडियो को टच कीजिएगा और वह जैसे जैसे प्रोसेस बताएगा उस प्रकार से प्रोसेस कीजिएगा, सारा वीडियो आपको सारा क्लास आपको शो करने लगेगा, ठीक है। कोई लिंक है सेंड कर दीजिए ताकि हम ले सके, बाबू अभी बता दिए हम, प्लीज सर कुछ रिप्लाई दीजिए, रिप्लाई भी कर दिए, ए ए ए ए ए, चलिए हो गया ना जी, अब आगे बढ़ जाइए। 29 के बाद 30 नंबर क्या लिखा है, 5 × 2 = 10, 4 × 5 = 20, जोड़ दीजिए बाबू 30, 21, 2 = 23, 8 × 32, 5 × 2 = 10, 32 × 10 = 42, 12, 24, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, क्या लिखा है, टी बराबर आर ओ डी सी एन बराबर एस आई एम, एम ई एन का कोड क्या होगा, देखिए एम का है बाबू एल तो सबसे पहले एल, ई का है ओ तो ओ, एन का है एम तो एम, एल ओ एम, ऑप्शन बाबू एक नंबर, इस लेटर के सामने जो लेटर दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है, आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन। एम्पलीफायर को कोड में ये लिखा गया है तो यहाँ पर अब क्या क्या होगा इसके बारे में आप लोगों को बताना है, क्या हुआ 31 नंबर नहीं समझ में आया, बोलिए कौन था जी, किस लेटर के सामने जो लेटर दिया गया है वह उसका कोड हो रहा है, ठीक, सी ए एन छोड़ दीजिए आप, हम बोले जिस लेटर के सामने जो लेटर वो उसका कोड है, इतना ठीक है। तो बाबू यहाँ पर है ई, ई का कोड क्या है, ओ एन
टी ए एन, एन का कोड क्या है, का कोड एम, और यहां पर देखिए एम यू जी, एम यू जी, एम का कोड क्या है एल, एल ओ एम नहीं हो गया, अब ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे, ए एम पी एल आई एफ आई ई आर, क्या लिखा है जी, ए और सी प्लस दो, तेरह दो, पंद्रह, सोलह दो, अठारह, बारह दो, चौदह, नौ दो, ग्यारह, छः दो, आठ, नौ दो, ग्यारह, पाँच दो, सात, अठारह दो, बीस, सभी में जो है प्लस दो किया गया है। यहाँ पर क्यू में प्लस दो करिए तो एस, गलत और गलत, जी में प्लस दो करिए तो आई, ई में प्लस दो करिए तो जी, एल में, जे में प्लस दो करिए तो एल, ऑप्शन कौन सा, तीन नंबर सी ऑप्शन। तैंतीस और चौंतीस क्या लिखा है, वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती है, जो वित्तीय कंपनियां हैं वो खराब प्रबंधन यानी कि अच्छा मैनेजमेंट नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता, यानी कि अच्छा मैनेजमेंट अगर आप करते हैं उसके बावजूद भी वित्तीय कंपनी को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते हैं, सही कि गलत, इतना बैंक जो है कैसे चल रहा है, आ? बैंक चल रहा है ना जी, बजाज फाइनेंस का नाम सुने हैं ना, वो भी तो वित्तीय कंपनी है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डाकघर में जो है पहले डाकघर भी घाटा में चलता था, लेकिन जब से डाकघर में भी पैसा का लेन देन होने लगा है डाकघर भी काम कर रहा है कि नहीं, मुनाफा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वित्तीय कंपनी मैनेजमेंट है ही हो। आइए इधर, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है, बिल्कुल सही है, तो पहला गलत है दूसरा सही है, दिक्कत है। अगला 33 के बाद 34, सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, बहुत बढ़िया, सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं, गलत बात है ये, आज हुआ था मैच जी ना, हम सच में हम सोचे थे कि सोहन स्वस्थ है, सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी स्वस्थ हैं, तो सोहन स्वस्थ है, सही कि गलत, सही है, हम सोचे थे कि बढ़िया टक्कर होगा, ठीक है क्या, लेकिन दिक्कत हो गया इतना, क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं है, लिख रहा है प्रश्न में ध्यान से देखिए, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, उसका जन्म वर्ष कौन सा था, ठीक है, सबसे पहला सिचुएशन यह है कि 2008 में उसने चौथा जन्म दिवस मन, कर लो पीछा घूम के गप कर लो पहले, आए 2008 में चौथा जन्मदिन मनाया, तो इसका मतलब है कि 2004 में तीसरा, 2000 में दूसरा, 1996 में पहला, 1992 में छठियौरी हुआ यानी कि जन्म हुआ, ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन, कोई दिक्कत, 1996 लगाया था ना तब, जन्मदिन मनाते हैं आजकल इतना मनाने लगा है ना आदमी, तो वही चक्कर में भूल गया है, जन्म वर्ष ना पूछ रहा था, आ? पहला जन्मदिन पूछ रहा था, जन्म लिए जन्मदिन हैप्पी बर्थडे हो गया, नहीं ना, हाँ जी आइए यहाँ पे
यदि दर्पण को ए बी पर रखा जाए तो कौन सी आकृति दर्पण का प्रतिबिंब होगी, कौन सा होगा? ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि दर्पण देख ली यहां नीचा में है। पारदर्शी कागज पर यह चित्र बनाया गया और फिर मोरा गया। अब मोरने के बाद आपको बताना है कि यह कैसा प्रतिबिंब दिखेगा, ठीक है, कैसा प्रतिबिंब दिखेगा। तो ऑप्शन बाबू चार के तरह प्रतिबिंब दिखेगा। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। तीन एक तरह दिखा देंगे, हमरा क्या जाता है। सबसे पहला सिचुएशन यह है कि बाबू रुको नहीं जी, नीचे से ऊपर मोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये एरिया देखिए, दोनों बराबर ना है, और ये एरिया देखिए, ठीक है, यहां पर तो गैपिंग है, यहां गैपिंग नहीं है, यहां पर दोनों का गैपिंग देख लीजिए नहीं के बराबर है, यहां पर ज्यादा गैपिंग है, यहां पर कम गैपिंग है, ये तो बनवे नहीं करेगा। क्योंकि जब पेपर जो मोरा जाएगा बराबर पर तो डिजाइनिंग तो वही ना बनेगा, आंसर तो चार ही नंबर ना आएगा, ठीक है। तीन नंबर में तो यहां देखिए ना जी, सटा हुआ है ना यहां पर पूरा। दो नंबर का जो है, दो नंबर पे विवाद है कि दो नंबर में तो और नहीं होगा, दो नंबर का सेटिंग यहां से यहीं रख लिया है, आई एक तरफ निकाल दिया है ज्यादा, बड़ा छोटा से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, देखने दीजिए, यहाँ पर जो है डी में जो है दोनों आकृति कर दिया है बराबर, सही में दो नंबर ही आंसर होगा। यहाँ पर दोनों का दोनों त्रिभुज का आकृति जो देख लीजिए बराबर में है, जबकि यहाँ पर एक बड़ा है और एक छोटा है, और हमारे प्रश्न में भी ये छोटा है ये बड़ा है, ऑप्शन दो नंबर होगा। क्या हुआ, वो तो तब सब में वही है, उसका तब क्या कर सकते हैं। डिजाइनिंग जो है ये वाला ऐसे होना चाहिए था, ये तो छोटा वाला है तो नहीं जाएगा, ये बड़ा वाला है ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ पर भी दोनों बराबर है, तब तो कोई आंसर ही नहीं होगा। क्या नीचे से ऊपर कैसे पटाएंगे, नीचे से ऊपर पटाएंगे तो यहाँ पर बाबू ये क्या है, ऊपर में ना यहाँ पर खाली जगह है, इसका मतलब ऊपर वाला ना नीचे गिरा है, चार नंबर ही होगा। अब छोटा नहीं है तो हम क्या करें, बोलिए, चार नंबर आंसर होगा। 38 नंबर देखिए, यहाँ पर तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, इसका मतलब अभी एक तरफ दो गो रहेगा, एक तरफ एक गो आएगा, ऑप्शन दो नंबर बी ऑप्शन। हाँ जी, कागज का टुकड़ा है, इंजीनियर मिथिलेश सिंह सर प्रगति पथ के एप्लीकेशन पर है। हाँ बाबू है,
बी 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 ए ए ए बी 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 ए ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न है हमारे पास, पेपर को मोड़ेंगे, काटेंगे और फिर खोलेंगे तो कौन सा डिजाइन दिखेगा। तो सबसे पहला सिचुएशन ऐसा, कोई भी एरिया देख लीजिए जहाँ पर ये दो गो सर्कल एक साथ जा रहा हो, कि दोनों तो खत्म कहानी है, यही दोनों में ऐसा है और यहाँ पर है ना कि यहाँ पर है। आंसर कौन सा? डी ऑप्शन, चार नंबर। ठीक है, क्या हो गया जी? अच्छा, दो चार छ आठ, और यहाँ पर चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह। हाँ जी, तब दो ए नंबर होगा, बी आंसर होगा बी, लेकिन बी को थोड़ा और नीचे यहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से तो सोलह को सर्कल हो जाएगा। आंसर दो नंबर ना कि चार नंबर। चलिए, 11 है और बाबू 81 है, 11 माइनस दो नौ का स्क्वायर 81। यहाँ पर 13, 13 माइनस दो 11, 11 का स्क्वायर 121। यहाँ पर 8 माइनस दो बराबर 6 का स्क्वायर 36। आंसर होगा 1313, ऑप्शन होगा तीन नंबर, सी ऑप्शन। क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। यहाँ पर बाबू सबसे पहले ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब कि यहाँ जाएगा, त्रिभुज रहेगा यहाँ नीचे कोना में। अब ये दोनों सही है। अब रहा बात कि ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट रहेगा, मतलब ये गलत है और ये वाला क्या है, त्रिभुज सही है। इसी से आंसर आ गया ऑप्शन बाबू एक नंबर, ए ऑप्शन। फोर टू फोर्टी टू, इसमें क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। अब यहां जो डिजाइन है वह किसमें छिपा हुआ है? ऑप्शन एक नंबर देखिए छिपा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। बारह है, चौंतीस है, हाँ, 12 का स्क्वायर माइनस 34 बराबर 110। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 34 बराबर 110। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 बराबर 35। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 21 बराबर 60। आंसर होगा 2121, ऑप्शन चार नंबर, डी ऑप्शन। 43 के बाद 44। अब यहां पर जो दिया गया है इससे बाबू बनाइए, आंसर हो जाएगा दो नंबर, बी ऑप्शन। अगला सवाल, आई एन एच ए एल ई, प्लस चार माइनस चार, प्लस चार माइनस फोर, प्लस फोर माइनस फोर, प्लस फोर माइनस फोर, प्लस फोर। ठीक है, अब यही सिचुएशन अपनाइए, एम में माइनस फोर करिए तो हो जाएगा बाबू आई। अरे बा, आई तो किसी ऑप्शन में है ये नहीं है जी। चलिए ठीक है, नौ नौ अठारह प्लस नाइन
माइनस नाइन प्लस माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री, ठीक है। पहला और दूसरा में माइनस प्लस नाइन माइनस नाइन, उसके बाद माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री, करिए तो तेरह नौ बाईस। यहाँ पर बाबू जेड भी जेड होना चाहिए, भाई दो ऑप्शन तो चल गया। उसके बाद माइनस थ्री है, माइनस थ्री है तो डी, प्लस थ्री है तो के, इसके बाद फिर माइनस थ्री है तो क्यू, प्लस थ्री है तो बी, बी फोर बॉल। वो यू जेड डी के बी क्यू बी, ऑप्शन बाबू तीन नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। जी डबल आई 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 जी, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद अगला सवाल 4545 के बाद 4646, घेंघा घेंघा है, स्कर्वी है, डायरिया है, रक्तालपता है। घेंघा रोग तो विटामिन ए की कमी से होता है जी, आयोडीन के कमी से होता है, स्कर्वी, डायरिया और रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी। स्कर्वी जो है यह है स्किन वाला रोग, ठीक है। स्कर्वी जो है यह है स्किन वाला रोग यानी कि चमड़ा का रोग है। आंसर तो दे रहा डायरिया, कैसे जी। जल के संदूषण से फैलता है और ये सब विटामिन के कमी से होता है क्या, और विटामिन सी के कमी से शायद स्कर्वी होता है। नहीं पता है स्कर्वी, हेंगान आयोडीन का कमी से होता है। चलिए डायरिया दूषित जल से होता है, आई सब जो है किसी न किसी चीज के कमी से होता है, और तब यही ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 47 में ओ बाबू हो क्या होगा जी आंसर इसका, पी ए पी ए पी ए। अब यहाँ पर है L, यहाँ पर है T, यहाँ पर है R, तो पहले बाबू दो, उसके बाद पांच, उसके बाद चार, दो पांच चार सिर्फ और सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन नंबर सी ऑप्शन। 4848 छेनी से मूर्तिकार कार्य करते हैं, उसी प्रकार से निहाई से कौन कार्य करते हैं, लोहार कार्य करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोहार, ऑप्शन हो जाएगा तीन नंबर सी ऑप्शन। लोहा जो है आप लोग पीटते हुए देखे हैं, ऐसा नहीं रहता जी बना हुआ, शिवलिंग नहीं है जिस पर रख करके पीटता जो है वही होता, ठीक है। जो कि आपको इसके पास भी रहता है, नहीं जी बढ़ई के पास क्या करेगा, मोची के पास, मोची के पास जो ऐसा है ऐसा डिजाइन में नहीं बना हुआ रहता है, इधर नोक रहता है इधर ऐसे रहता है, याद आ गया होगा, जूता इसमें घुसा करके नहीं कील ठोकता है वही। फोर्टी एट के बाद 49 नंबर, यहाँ जो संयोजन दिया गया इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, ऑप्शन हो जाएगा बाबू दो नंबर बी ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना सब में। इसके बाद 5050, अब यहाँ पर कौन सा आकृति है जो इसमें छिपा हुआ है जी, पता चला कुछ,
नहीं पता चला। हो रहा है ये, लेकिन हुआ कहां से रहा है? कहाँ से हो रहा है? तो लाइन मैच करना चाहिए ना। और चार नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, एक भी नहीं है हो रहा है, कोई हो ये नहीं रहा है। अब बीए पर विचार करना होगा। यहां पर आकृति को घुमाना नहीं है, यो ने लिखल है। तो अगर आकृति को नहीं घुमाती, एक दो तीन को ब्लॉक है यहां से अगर लिया जाए तब। ये बन गया ठीक है। ऑप्शन बाबू दो नंबर बी ऑप्शन ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद। आपका रीजनिंग टेस्ट नहीं दिखा रहा है एप्लीकेशन पर, बाबू दिखा रहा है। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो है वहाँ पर फ्री वीडियो होगा एक लिखा हुआ, वहाँ पर जाइए। फ्री वीडियो में एप्लीकेशन वीडियो या एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन नाम से एक वीडियो होगा, उसको देखिए। उसमें वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रोसेस करना है ठीक है।